हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और फ्रेंड्स आज मैं लेके आई हूँ बच्चे और बड़े सभी की फेवरेट पास्ता की रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं क्लासिक रेड सॉस पास्ता, वो भी वेजेस के साथ। बहुत ही ज़्यादा क्विक एंड ईजी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए बॉइलिंग वाटर। तो इसमें अच्छे से मैंने पानी को उबाल लिया है हाई फ्लेम पर। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है 1 टेबल स्पून के बराबर। साथ में 1 बोल के बराबर मैंने पेने पास्ता लिया है और इससे डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी अराउंड 1/2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल ऐड करना है ताकि ये स्टिक ना हो। और इस तरह से हम इसे बॉयल होने देते हैं एटलीस्ट 7 to 10 मिनट्स मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अच्छे से इसे कुक करना है या जब तक ये 90% कुक ना हो जाए। तो अराउंड 10 मिनट्स हो चुका है, ये 90% ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अब मैं इसका जो वार्म वाटर है उसे निकाल दूंगी और इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे इस तरह से। और इसके ऊपर हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके इसे रख देंगे। तब तक हम अपना सॉस की तैयारी करते हैं। तो सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। इस तरह से इसे कट लगा देना है। अगर आपके टमाटर बड़े हैं तो 2 ही काफ़ी होगा। तो मेरे पास मीडियम था, मैंने इसमें 3 ऐड किया है। इस तरह से कट लगा देंगे, पानी में ऐड करेंगे और इसे हम बॉयल करेंगे। साथ में मैंने 4 लाल मिर्च ऐड किया है और इसे अच्छे से बॉयल कर लेते हैं जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, इसका स्किन ना निकल आए। तो आप देख सकते हैं अराउंड 5 to 7 मिनट्स इसे अच्छे से बॉयल कर लिया है और इसका हम स्किन रिमूव कर देंगे। जो ऊपर का जो स्किन होता है उसे पील ऑफ कर लेंगे और इन दोनों को मिक्सी जार में हम बिल्कुल फाइन पेस्ट में बना के तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा रेड सॉस बनकर तैयार है। तो इसे ठंडा होने के बाद मैंने पीस लिया है। आप देख सकते हैं रेड सॉस बनकर तैयार है। अब एक पैन में हम डालेंगे अराउंड 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल ऐड करना है और इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे बीन्स लिया है, प्याज लिया है और मोटे टुकड़े में कटा हुआ मैंने शिमला मिर्च लिया है और इसे स्टर फ्राई करेंगे अराउंड 1 मिनट्स के लिए। हाई फ्लेम पर इसे करना है, ओवर कुक हम नहीं करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो इसमें बारीक कटा हुआ जिंजर और गार्लिक यानी अदरक लहसुन डाल सकते हैं। 30 सेकेंड्स इसे भी भून लेते हैं हाई फ्लेम पर। अब मैं इसमें डालूंगी रेड सॉस जो हमने बनाया था टमाटर और मिर्ची से। तो इस तरह से ये अराउंड 1 बोल के बराबर है। स्पाइसेस ऐड करते हैं, नमक स्वाद अनुसार ऐड किया है, ब्लैक पेपर पाउडर क्रश किया हुआ, साथ में चिली फ्लेक्स ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर और मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में इसमें हम डालेंगे मिक्स्ड हर्ब, कोई भी सीजनिंग आप डाल सकते हैं। तो मैंने लिया है मिक्स्ड हर्ब और साथ में इसमें कॉर्न ऐड करेंगे, ये अराउंड 1/2 फुल के बराबर मैंने फ्रोजन कॉर्न लिया है। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे बेसिल लीव, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसे हम कुक कर लेते हैं 1 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर स्टर करते हुए। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 बोल के बराबर पानी ऐड किया है और इसे बॉईल होने देते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर टोमेटो सॉस ऐड करना है और इसे मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अब मैं इसमें डालूंगी बॉईल किया हुआ पास्ता और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से पका लेना है और ये हमारा रेड सॉस क्लासिक पास्ता बनकर तैयार है। तो इसे गार्निश कीजिए विद कोरिएंडर लीव्स। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है उसे भी कट करके डाल सकते हैं। और ये हमारा रेड सॉस क्लासिक पास्ता बनकर तैयार है। एंजॉय फ्रेंड्स, गर्मा गर्म। किड्स को भी बहुत ज़्यादा ये पसंद आती है और आपको भी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं अपना लेटेस्ट अपलोड दूँ वो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।